Welcome back to our lecture where we are going to study the radiation part. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे kinetic theory of gases. अभी ये chapter का दूसरा part चालू हो गया, जहाँ पे हम पढ़ने वाले radiation को. So what actually radiation is? Okay? So it's a mode of transfer of heat. Okay? चलो understand करते हैं बहुत अच्छे से. तो पहला टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एक्चुअली रेडिएशन इज एंड आल्सो कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट. तो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ हीट, व्हाट इज बाय ट्रांसमिशन ऑफ हीट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन इट इज सेड टू बी दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ट्रांसमिशन ऑफ हीट. So heat is transmitted from one body to another body. Come on, heat is transmitted from one body to another body. तो जो process है एक body से दूसरे body में heat को transfer करना, उस process को हम बोलेंगे transmission of heat. ठीक है, वो जो process होता है उसको हम बोलते हैं transmission of heat. ठीक है, mode of transfers. अभी heat कैसे transfer होता है? तो भाई तीन mode है, बहुत famous वाले तीन mode है heat transfer के. एक है conduction, दूसरा है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन. तो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वन इज कंडक्शन, अदर वन इज कन्वेक्शन एंड इज रेडिएशन. तो सब नाम ऑलरेडी आप लोगों ने सुना रहेगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत इजी टॉपिक है, 8-9 स्टैंडर्ड का भी ये सब पढ़ा रहेगा कि भाई कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है. बराबर है? तो चलो समझते हैं कंडक्शन क्या है. तो मास्क देखिए, देखो एकदम हॉट बोलते ना उसको, एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने फायर ऑन किया हुआ है, कुछ लकड़े बिकड़े डाल दिए, वुड भी डाल दिए, फायर डाल दिया, और उस फायर के ऊपर मैं एक रॉड होल्ड कर रहा हूं, मैं एक रॉड होल्ड करने वाला हूं. और जैसे ये रॉड हीट हो रहा है, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, यू नो, अगर अंदर के मॉलिक्यूल्स को देखोगे आप, देखो ठीक से देखो अंदर के मॉलिक्यूल्स को, तो ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो हीट हो रहे हैं. और जैसे मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिल रही है, वो वाइब्रेट होने चालू हो गए, वो ऐसे वाइब्रेट होने चालू हो गए, यू कैन सी हीट एनर्जी से वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर एनर्जी ट्रांसफर हो गई, फिर उसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स हीट मतलब वाइब्रेट होने लगे, फिर उसके आगे वाले मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर उसके आगे वाले वाइब्रेट हो रहे हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट होते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हुए, मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, और आप देखो हीट ऐसे धीरे धीरे फैलता है. ओके, जैसे आपने देखा कि हीट उस रॉड से जहां पे मैंने उसको वुड के ऊपर मतलब फायर के ऊपर रखा है, वहां से मेरे हाथ तक आएगा, फिर मुझे चटका बैठेगा. अभी ये जो प्रोसेस है उसमें आपने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है, मॉलिक्यूल्स उससे वाइब्रेट होते हैं, पर अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं, वो अपनी जगह कभी छोड़ के नहीं जाते, दे वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस, दे विल नॉट माइग्रेट, वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेंगे. तो ये जो मेथड है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कंडक्शन. तो बेसिकली कंडक्शन क्या है, व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड, एंड गारंटेडली अ मीडियम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें पार्टिकल्स चाहिए, बराबर कि नहीं, हमें एक्चुअल पार्टिकल्स चाहिए जो कि हीट को कैरी करेंगे. ओके, हीट एनर्जी को कैरी करेंगे, खुद कभी मूव नहीं होंगे, ठीक है, पर एनर्जी को क्या करेंगे, कैरी करेंगे. ठीक है, सो कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए मटेरियल मीडियम. देखो मैंने रेड में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम से हीट ट्रांसफर होए विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल माइग्रेट होते नहीं है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते, पार्टिकल अपनी जगह पे होते हैं. आई होप कंडक्शन मतलब समझे. चलो एक काम करते हैं, रॉड को हटा देते हैं, और उसके बदले मैंने एक बीकर रख दिया जिसमें एक लिक्विड है, और मैंने हीट करना चालू किया, क्लोजली देखते क्या हो रहा है बीकर के साथ. एक्चुअल में जैसे मैंने हीट करना चालू किया, नीचे की लेयर गर्म हो गई, पहले तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट हो जाएंगे, और जैसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट हो जाएंगे, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की पोजीशन के हिसाब से दिखाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है नीचे वाले मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जा रहे, ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ रहे, नीचे वाले मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर गए, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आए, फिर वो गर्म हो गए वापस. मतलब अभी क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स खुद मूव हो रहे, पार्टिकल्स खुद मूव हो रहे, अभी वो जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स खुद मूव हो रहे.
अभी जब मैं कंडक्शन का बात करूं तो रॉड का बात करूं तो पार्टिकल्स मूव हो रहे थे क्या? नहीं, दे आर नॉट माइग्रेटिंग. पर यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं. जैसे वो गर्म हो गए ऊपर चले गए, उसके बदले नीचे ठंडे मॉलिक्यूल्स आ गए, वो भी हीट होकर ऊपर चले गए. ऐसे प्रोसेस होते जा रही है, ऐसे प्रोसेस होते जा रही है. अभी इसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स खुद चल के जा रहा है. मॉलिक्यूल्स खुद चल के क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहां पे मॉलिक्यूल्स माइग्रेट हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं. ओके, तो यू कैन चेक दिस प्रोसेस जो मैंने लिखा है. मॉलिक्यूल्स इस मेथड में माइग्रेट होते रहते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन. So when I'm talking about convection, it is a process in which heat is transferred again through a material medium. मतलब इसको भी material medium की जरूरत है. इसको भी material medium की जरूरत है जिसमें actual migration of particle का. ठीक है? तो जब material में heat transfer होता है, ऐसे याद रखो, जब material में heat transfer होगा, either molecules move होंगे या फिर नहीं होंगे. अगर molecules मूव नहीं हुए, सिर्फ वाइब्रेट हुए, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हुए, सिर्फ वाइब्रेट हुए और हीट ट्रांसफर हो गई, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंडक्शन. क्या बोलूंगा मैं उसको? कंडक्शन. और मॉलिक्यूल्स खुद मूव हो गए तो उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? कन्वेक्शन. तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो काफी इजी है कि नहीं? नाउ लेट अस कंसीडर सन. सन से अभी मुझे अपने को हीट, दोपहर के टाइम पे इतना गर्म होता है कि नहीं? समर्स में बेसिकली हमेशा, मतलब यहाँ पे इंडिया में तो ज्यादा करके क्लाइमेट हॉट ही रहता है. ठीक है, तो गर्म होता ही है. पर मतलब सन से हीट हमें मिल रही है. तो सन से जो हीट हमें मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? हाउ इट इज गेटिंग, मतलब ये हीट कहां से आ रही है? अगर मैं यहां पे बैठ के देख रहा हूं तो वो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है. आप देखो कि रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है. दिन के टाइम पे तो ठीक है, सन से मुझे हीट मिल रही है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जहां से मुझे हीट मिलते हैं. रात के टाइम पे आप देखो, ये जो मैंने फायर जला उससे मुझे हीट मिल रही है. तो बेसिकली अभी मॉलिक्यूल्स है नहीं, अभी पिक्चर में कोई है नहीं, कोई भी पिक्चर में नहीं, बिल्कुल मटेरियल मीडियम है ही नहीं. बिना मटेरियल मीडियम का हीट ट्रांसफर हो रहा है और हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो ऐसे रेडिएशंस में हो रहा है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हो रहा है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अभी हीट ट्रांसफर हो रहा है बट बिना मटेरियल का. हीट ट्रांसफर हो रहा है वो भी बिना मटेरियल का. तो ऐसे इसको बोलते हैं रेडिएशन. तो रेडिएशन का मतलब क्या है? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई बॉडी temperature to the low body temperature. एक जिसका body temperature high है to the body temperature low, heat transfer होता है in the form of electromagnetic waves. तो radiation में heat transfer हो रहा है high temperature से low temperature. Common sense है, high temperature से low temperature. Sun से earth की तरफ आया, उस जो fire जो मैंने जलाया उससे अपने पास आया. ठीक है, तो आप समझ लो कि heat जो है, heat transfer हो रहा है without material medium. मतलब material medium है नहीं बट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूज. इसको हम बोलते हैं रेडिएशन. तो हमने तीन पार्ट पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. लास्ट है कंडक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर हो गया. कन्वेक्शन में क्या होगा? हीट ट्रांसफर हो गया. रेडिएशन में क्या होगा? हीट ट्रांसफर हो गया. तीनों भी हीट ट्रांसफर के ही मोड है. पर कंडक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मूव होते नहीं है. कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद मूव होते हैं और दोनों को मटेरियल मीडियम का जरूरत है. पर रेडिएशन में मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है. हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और ये चैप्टर में हम फोकस करेंगे सिर्फ रेडिएशन पार्ट पे बच्चों. ठीक है, तो जो कि चैप्टर का नाम रेडिएशन है तो हम सिर्फ रेडिएशन पे फोकस करने वाले. सो आई होप बहुत इजी टॉपिक था पहला, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बचपन का पार्ट है. पर मैंने आपको थोड़ा फोर्सफुली बता दिया, फास्टली बता दिया क्या क्या होता है. तो ओके, अपन अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.